है, हमें बोलो हैप्पी जर्नी है। हैप्पी जर्नी। कलर काफी ज्यादा अच्छा है, हॉट टॉप काफी ज्यादा अच्छा है, कुछ मतलब डिफेंडर टाइप लग रही है, कुछ बड़ी अलग सी। अपना लद्दाख का सफर ऐसा ही था, एक्सपेक्ट नहीं करा था, सोचा था कि घूमेंगे बट घर वापस जाना ही पड़ेगा। अच्छा शैतान ने फेंका था, तो मतलब ऊपर से एक पत्थर शैतान ने फेंका तो भाई यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या सीन है मैग्नेटिक हिल का। रात के टाइम आपको दिखेगा कुछ नहीं, बस ये जो आपको रेत के टीले दिख रहे हैं ये सोने की तरह चमकते हैं दोपहर में। गुड मॉर्निंग फ्रॉम कारू। तो अभी जस्ट उठे हैं, रमन भाई वहाँ है, अभी ठीक फील कर रहे हैं कल से। तो कल का दिन बहुत ज्यादा हेक्टिक था, लेकिन चलो जो भी है। और अभी मैं ना एडिट कर रहा हूँ, कल की वीडियो लंबी भी है और उसे टाइम भी काफी ज्यादा लगेगा। और एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि ये स्किन उतार देनी चाहिए, इससे हमारा एयर फ्लो रुकता है लैपटॉप का, तो लो इसको उतार दिया है। ये कुछ ऐसा दिखता है यहाँ बाहर के सीन। कल की वीडियो आपने देखी है, बहुत ज्यादा हालत खराब थी, अभी ठीक है। रमन भाई भी ठीक फील कर रहे हैं। और रात को हम यहाँ रुके थे, मतलब बेसिक सा रूम है बट अच्छा है। और यहाँ ऊपर आप देख सकते हो कुछ छेद रखा है लाइट वाइट के लिए। फिलहाल अब यहाँ से निकलेंगे। हाँ जी, तो ये है हमारे सुरेश भैया जिन्होंने आज रात को हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करी है। ये जगह कारू है ना? कारू। हाँ, अगर रात को हमें ये ना मिलते तो हमारी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। तो आप भी अगर कभी इस रूट से जाते हैं तो कारू में आप मिलिट्री स्टेशन, ये है इनकी होम स्टे है, तो यहाँ पे आप रुक सकते हैं, खाने पीने का भी आपको सारा मिल जाएगा। ठीक है सुरेश भैया, निकले फिर है, हमें बोलो हैप्पी जर्नी है। तो चलिए ठीक है, ये है कुछ बाहर के सीन। कल जो हमारी बजी है मैं आपको बता नहीं सकता, गाड़ी तो बाहर ही लगी हुई है। और ये हमारे पाजी। हाँ जी, फीलिंग गुड? रात दिया है हमें, मेरी रात को लिटरली बज गई थी क्योंकि मैं हैंडल नहीं कर पा रहा था चीजों को वैसे। तो ये आपको लोकेशन यहाँ पे दिख रही है, द इंडस ब्रिज गेस्ट हाउस। एक्चुअली यार पेड़ पौधे दिखते नहीं है आपको, पहाड़ी पहाड़ है, खुश्क एकदम। उम्मीद करते हैं यहाँ से सब ठीक रहे। मिलिट्री स्टेशन कारू है इस जगह का नाम। अब हम ज्यादा हाई अल्टीट्यूड पे नहीं जाएंगे क्योंकि बीमार होने का ज्यादा रिस्क है। एक कंडीशन से मैं होकर आया हूँ, मैं वापस वहाँ नहीं जाना चाहता चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत मुश्किल से मैंने रात को ड्राइव करा 150 किलोमीटर अंधेरे में। तो भाई फिलहाल यहाँ से निकल रहे हैं, टाइम 2 बज चुके हैं। अभी तक तो ठीक है भाई, जो कल हालत हुई है ना घबरा गया था मैं अंदर से, लेकिन चलो ये भी एक एक्सपीरियंस है। ये आप देख सकते हो लोकेशन कुछ इस तरह की है, सूखे पहाड़ी हैं। फिलहाल अभी मैंने गोप्रो के कलर चेंज कर लिए हैं, पहले फ्लैट पे शूट कर रहा था। एरिया में सिर्फ इतनी जगह पे पेड़ दिखते हैं आपको, काफी अजीब सी जगह है यार। और कल के बाद से तो ज्यादा ही अजीब लगना शुरू हो गई है ना। ये चीजें आप देख सकते हैं, जैसे ये हाइट पे अभी आपको दिख रहा है, पता ही नहीं दिख रहा वो पीछे वाली साइड, तो वो चीज काफी ज्यादा खूबसूरत लगती है। मेरी वीडियोस में मैं आपको ले उतने अच्छे तरीके से नहीं, मतलब चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो मेरा एक्सपीरियंस है कि मेरा लेक एक्सपीरियंस कैसा रहता है और मैंने क्या फील किया है लेक के बारे में। हालांकि मेरा ओपिनियन को इतना ज्यादा मैटर नहीं करेगा, बट स्टिल इंस्टाग्राम वगैरह पे फॉलो करता मत भूलो। कल की वीडियो में मैं बोलना भूल गया, तो कल की वीडियो में किसने फॉलो ही नहीं करा। तो यहाँ पे ऊपर शांति स्तूपा है, वहाँ बाद में जाएंगे, अभी कुछ खाने के लिए प्ले सिटी में जा रहे हैं। गूगल मैप ने हमें जो रास्ता दिखाया वो तो आगे डेड एंड आ गया, लेकिन यहाँ पे हमें एक इंटरेस्टिंग चीज मिल गई है। अपने को अपने इंटरेस्ट की चीज मिलती है ना तो हम रुक जाते हैं। तो फिलहाल आपको ये एक जिप्सी दिख रही है, कलर काफी ज्यादा अच्छा है, हॉट टॉप काफी ज्यादा अच्छा है, कुछ मतलब डिफेंडर टाइप लग रही है, कुछ बड़ी अलग सी। फेंडर्स वगैरह भी आपको दिख रहे हैं, काफी अच्छा यूनिक सा कंसेप्ट लगा, तो मुझे लगा यार चलो दिखा लेते हैं आपको। ज्यादा नहीं रुकते क्योंकि किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी हो सकती है, और इस साइड से कुछ ऐसी दिखती है। चलो निकलते हैं यार, पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं ये तंग गलियां। अगर फंस गए ना कहीं तो पूरा है फंसने का वैसे। भूख काफी ज्यादा लग गई है, यहाँ आ चुके हैं कुछ कैफे शैफे जैसा ही है, देखते हैं यहाँ खाने को क्या मिलेगा। यहाँ से पिज्जा खा के निकल चुके हैं और प्लान में थोड़ा सा चेंज कर लिया हमने, तो हम हालत में नहीं है कि हम किसी भी हाई ऑल्टीट्यूड वाली जगह पे जाएं, और यहाँ जो भी जगह है वो सारी हाई ऑल्टीट्यूड पे ही है। फिलहाल यहाँ से निकल रहे हैं, अपना लद्दाख का सफर ऐसा ही था, एक्सपेक्ट नहीं करा था, सोचा था कि घूमेंगे बट घर वापस जाना ही पड़ेगा। तो अब ट्रिप का चौथी बार टैंक फुल होने जा रहा है, 107 रुपए लीटर तेल है भाई। 2200 का टैंक फुल हुआ और 2200 में आया है 20 लीटर तेल। सो गाइस वो रहा लद्दाख, बाय बाय। बहुत सारी चीजें एक्सपेक्ट करी थी मैंने लद्दाख से, ये करूंगा वो करूंगा। हम 2-3 घंटे भी नहीं रुके हैं, जस्ट पहुंचे हैं सिटी के अंदर से, गए पिज्जा खाया, ये अपने भैया से मिले एंड वी आर आउट। तो भाई फिलहाल रुक गए हैं पत्थर साहब गुरुद्वारा से, आज हम जाएंगे करगिल तक और उसके बाद देखते हैं क्या सीन्स बनते हैं। रास्ते में जो भी डेस्टिनेशन आती जाएंगी कोशिश करेंगे कि हर एक जगह कवर कर लें। हम अंदर से होके आ चुके हैं और अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो मैं आपको स्टोरी बता देता हूँ। गुरु नानक देव जी थे, वो यहाँ पे कुछ तपस्या कर रहे थे, तो ऊपर से आके पत्थर गिरा था, तो अंदर वो पत्थर है जिसपे उनकी पीठ लगी। अच्छा शैतान ने फेंका था, तो मतलब ऊपर से एक पत्थर शैतान ने फेंका, तो वो उनकी पीठ पे लगा था, तो वो पूरा उनकी शेप पीठ की ना उस पत्थर पे बनी हुई है, काफी बड़ा पत्थर है। मतलब वहां से पत्थर आया था, लेकिन वहां ऊपर सीढ़ियां बहुत ज्यादा हैं, उतनी चढ़ने की हिम्मत
नहीं है। अभी यहाँ से निकलेंगे, हवा बहुत तेज चल रही है, आगे काफी दूर तक जाना है। ज्यादा पता शता तो नहीं है, बस ऐसा सुना ही है कि मैग्नेटिक हिल में गाड़ियाँ खींचना शुरू हो जाती है। अब कहाँ रखो तो कहाँ से गाड़ी खींचेगी वो मुझे नहीं पता है। लगाओ ना गाड़ी, कहीं खींचती कहाँ से है। वहाँ वो मैग्नेटिक हिल का बोर्ड लगा है, वहाँ बोर्ड पे भी दिखा देता हूँ आपको। वहाँ दूर दूर तक एटीवीज वगैरह लोग लेके जा रहे हैं, एटीवीज चल रही है। तो भाई यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या सीन है मैग्नेटिक हिल का, था फिनोमेना दैट डिफाइज ग्रेविटी, पार्क योर व्हीकल इन द बॉक्स मार्क्ड विद पेंट ऑन द रोड एंड एक्सपीरियंस द वंडर। समझ गए ना आप की करना क्या है। एक चीज और बोलना चाहूंगा, मैग्नेटिक हिल का फील अलग तरफ है, लेकिन इस रोड पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है क्योंकि सीधी रोड है, इतनी तेज तेज लोग आते हैं, काफी ज्यादा रिस्की है। मैग्नेटिक हिल का फील अलग है लेकिन रिस्की बहुत ज्यादा है। यहाँ सामने घर बने हुए हैं, तो मैं सोचता हूँ इन लोगों की लाइफ भी कितनी हार्ड है। नहीं, आसपास कुछ नहीं है, एक ब्रिज सा बना हुआ है, उसी से क्रॉस करके जाना है आना है। यहाँ से जा रहे हैं हम करगिल, डिस्टेंस आपको देख रहा है 2 घंटे 36 मिनट बता रहा है, 114 किलोमीटर। जितना भी सफर करा है वो सारा रात में ही करा है, लेकिन इस ट्रिप ने जो हमारा पर्पस था वो जरूर पूरा करा है। हमारा पर्पस था एक्सपीरियंस लेना, और एक्सपीरियंस हम लेकर आए। आज का व्लॉग में भी थोड़ा छोटा ही होगा। यहाँ रुक गए हैं कुछ खाने पीने के लिए। खाने पीने क्या यार, मतलब बॉडी को एनर्जी चाहिए रहती है। आपका मन भले ही नहीं करता हो खाने का, लेकिन खाना पड़ता है। ज्यादा नहीं लेंगे, लाइट लाइट सा ही खाएंगे, जूस पी लेंगे और आगे करगिल जाके देखते हैं अगर वहाँ मन करेगा। समझो इस जगह का नाम है। अभी हम पहुँच गए हैं लामा यूरू। रात के टाइम आपको दिखेगा कुछ नहीं, बस ये जो आपको रेत के टीले दिख रहे हैं ये सोने की तरह चमकते हैं दोपहर में। यार हमारी तो गाड़ी में बज रही, गुर्दा तो इन लोगों का है, बाइकर्स इतनी रात को, देख रहे हो आप। तो ये होता है एडवेंचर। पहुंच गए आज रात के स्टे पे करगिल में, और यहाँ हमें मिल गया नवाज भैया। हाँ जी भाई साहब, आज का स्टे नवाज भैया ने ही करवाया हमें, नहीं तो हम तो अभी तक होटल ढूंढ रहे होते, खज्जल हो रहे होते। कल आपको बड़ी तगड़ी तगड़ी चीज दिखाएंगे नवाज भाई। तो नवाज भैया के पास ना एक गाड़ी भी है, जिप्सी होगी वो है। अच्छा, तो मतलब कल तो कंटेंट ही कंटेंट है। और एक मर्सिडीज बेंज भी खड़ी है बाहर। अच्छा, नहीं वो तो हमने देख ली एक्चुअली, वो वही मर्सिडीज बेंज है जो हमारे पास है जिसमें हम लद्दाख रुक रहे हैं। तो बस ये है फिलहाल के सीन। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, तो अब मिलते हैं आपसे कल, और होपफुली कल का दिन ज्यादा एक्साइटेड होगा। तो दैट्स इट, बाय।